जैसे कि आप सबको पता है कि प्रभास और कृति सेनन की आने वाली फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म आदिपुरुष का टीजर जिस तरीके से दर्शकों के बीच बवाल कर गया था, वही सब ट्रेलर के आने के बाद देखने को नहीं मिला। तो इसका यह मतलब है कि ये जो ट्रेलर है ये दर्शकों को पहले के मुकाबले थोड़ा अच्छा लगा है। लेकिन अब इसी बीच एक्टर सुनील लहरी, जो कि इससे पहले उन्होंने रामायण में श्री लक्ष्मण का रोल किया था, उनको फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर पसंद नहीं आया। उन्होंने फिल्म आदिपुरुष के ऊपर बात करते हुए कुछ सीन्स के ऊपर बात की है। सुनील लहरी ने बताया कि आदिपुरुष के ट्रेलर में जो दिखाया गया है कि जो श्री राम है वो हनुमान जी की पीठ पे सवार होकर तीर चलाते हुए नजर आते हैं, जो कि ये सीन उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। उन्होंने बताया कि रामायण की हिस्ट्री में हमने कभी भी श्री राम जी को हनुमान जी की पीठ पे सवार होकर तीर चलाते हुए नहीं देखा। इस तरह की घटना ना तो हमने कभी देखा है ना कभी सुना है। सुनील लहरी ने आगे बताया कि हां, लक्ष्मण जरूर हनुमान जी के पीठ पर बैठकर बाण चलाया है, लेकिन हनुमान जी के आग्रह पर। लेकिन अगर हम बात करें राम भगवान की, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के कंधे पर बैठकर ही सवार किया है। अगर राम जी हनुमान जी पर ही सवार होता तो देवराज इंद्र श्री राम जी के लिए युद्ध में रथ भेजते ही क्यों? श्री राम जी तो हनुमान जी के ऊपर बैठकर ही पूरा युद्ध लड़ सकते थे। सुनील लहरी का आगे कहना है कि युद्ध में जो कॉस्ट्यूम दिखाई गई है उसमें भी वो संतुष्ट नहीं है। सुनील लहरी का कहना है कि श्री राम जी वनवास में ज्यादा कपड़े तो उन्होंने पहने नहीं थे, वो सिर्फ एक ही कपड़े पहनते थे, वो है भगवा वस्त्र, उसी से वो अपने तन को ढकते थे। लेकिन ट्रेलर में श्री राम जी के कपड़े कुछ ज्यादा ही दिखाई गई है। सुनील लहरी ने आगे बताया कि कॉस्ट्यूम से उन्होंने ट्रेडिशनल फील को किल करने की कोशिश किया है। देखिए उनकी बात सही है, लेकिन समय के साथ साथ क्रिएटिविटी में जो है परिवर्तन आती रहती है, और साथ ही मार्केट में रामायण की कई अलग अलग वर्जन भी अवेलेबल है।